हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ से लोग देख रहे हैं सब खैर हरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो है वो मैं ससुराल में पहली दफ़ा बिरयानी बनाने वाली हूँ। सामान जो है वो मार्केट से ले आई हूँ, अपने बच्चों के साथ जाके देखते हैं मुझसे बिरयानी कैसे बनती है। यहाँ पे प्याज मैंने कट कर ली है, अदरक लहसुन भी रेडी है और टमाटर और हरी मिर्चों को मैं पेस्ट बनाऊंगी। मुझे पेस्ट फॉर्म में बनाना ज़्यादा इजी लगता है। ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दी है और चिकन भी मैंने वॉश कर ली है, जो कि मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। और साथ ही मैंने जो चावल थे वो भी भिगो दिए हैं। ऑयल जो है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है और अब मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी जब तक ये थोड़े से लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता इनका। जब तक प्याज लाइट ब्राउन होता है मैं तब तक लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ। मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट पर्सनली ऐसे बनाना अब ज़्यादा बेटर लगता है। पहले मैं चॉपर यूज़ करती थी लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरा दिल नहीं करता और अब मैं इस तरह इसको इनको लहसुन अदरक को पेस्ट में बनाती हूँ। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है और अब मैंने इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी जब तक इसका स्मेल जो है वो बहुत अच्छी तरह इसमें आ नहीं जाती। अब मैंने टमाटर का जो पेस्ट है वो ऐड किया और अब मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। मसाला जो है अब इसका रेडी है। अब मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। अब मैं इसमें चिकन थोड़ा सा ऐड करने के बाद इसको फ्राई करूंगी। मुझे लगता है कि बिरयानी में सिर्फ यही जो है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है कि बस इसको भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा जो कलर है वो अच्छा आ रहा है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और इसे 10 से 15 मिनट जो है वो भूनना पड़ेगा। चिकन जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो गया था। अब मैंने इसमें मसाला ऐड किया है। देखने में तो अच्छा लग रहा है और कलर भी अच्छा लग रहा है। बस मैं किसी तरह आज बिरयानी टेस्ट में पास हो जाऊं। इतनी टेंशन तो मुझे कसम से अपने इनकम टैक्स के पेपर में भी नहीं हुई थी जितनी आज मुझे इस बिरयानी में हो रही है। बस ये फ्राई हो जाए अच्छी तरह, उसमें मसाला जो है वो मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। जब तक चिकन में मसाला अच्छी तरह ऐड हो जाता है तब तक मैंने सोचा है कि मैं रायता तैयार कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा मेरा टाइम भी बच जाएगा और इसके बाद जब रायता रेडी हो जाएगा मैं चिकन में बस चावल डाल दूँगी। यहाँ मैंने चावल बॉईल करके पहले से ही रख दिए थे, क्लिप में नहीं बना पाई, लाइट नहीं थी। चावलों को मैंने चिकन के साथ मिक्स कर दिया है। अब मैं इनकी तय बना के इनको दम पर लगा दूँगी। चावलों को मैंने 10 मिनट के लिए दम पर रखा है। दम से अब मैंने चावल उतार लिए और शक्ल तो अच्छी लग रही है, बल्ला करे कि अक्ल भी अच्छी हो। जो पुदीना था और ज़रदा रंग था वो मैंने दम पे लगाने से पहले ही ऐड कर दिया था। अब सर्व करके देखती हूँ कि कैसा बना है।